मैंने मार डाला पांड्या को, असलम पठान को और वो चोर मंत्री को, क्योंकि इन्हीं लोगों ने मेरे पति को तड़पा तड़पा कर पानी में डुबा डुबा कर मार डाला था। मैंने समाज की गंदगी साफ की है, समाज का भला किया है। पता है ये लोग मेरे लिए क्या थे? कब्रिस्तान में पेड़ के नीचे बैठी चुड़ैल के उल्टे हाथ की छोटी उंगली के नाखून में फंसी मैल। ए परशुराम, ये देख। आपकी पगार का पैसा मिलने के बाद आप आलतू फालतू खर्चा करके पैसा करते हैं बर्बाद। ये पैसा मेरा है ना कि आपके बाप का, इससे मैं कुर्ता सिलवाऊं या कच्छा आपके नाप का, जो भी सिलवाऊं मेरी मर्जी, बाकी का जो काम है देख लेगा दर्जी। जी नहीं, ये पैसा है सरकार का, हमारे सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अधिकार का। मेरे पैसों पर सिर्फ मेरा हक है। आप जिन पे कर रहे हैं रुबाब, गवर्नमेंट को उनसे नफरत है बेहिसाब। होने दो, लेकिन मुझे नहीं दिखता उनमें कोई दोष, उनमें सिर्फ है जबरदस्त जोश। उन्हें चाहिए म्यूजिक, ये है अच्छे नागरिक। इनमें से एक है हल्का याग्निक और एक है विनेश कार्तिक। ठीक है मान लिया, लेकिन जिन जिन का आप दे रहे हैं साथ, समाज में उनकी नहीं है एक पैसे की औकात। आपको सिर्फ और सिर्फ देना चाहिए उनका साथ जिनके सर पर हो सरकार का हाथ। जिन जिन के हक में नहीं है सरकार का मत, उनसे आपको होनी चाहिए नफरत। मेरा पैसा मेरा हक, अब आगे बक। देश का हर समझदार नागरिक समझता है कि किसे मिलनी चाहिए मदद, ना कि आपके माफे। आपका मतलब है कि हमें सरकार का होना चाहिए गुलाम? मुमकिन नहीं। ये है सरकार का काम, वो मेरे लिए है, आपके लिए है और देश के बाकी जनता के लिए है। आपने और मैंने सरकार बनाई है ना, क्यों सही कहा ना? अय्या, आशीर्वाद दीजिए। जीती रहो, खुश रहो, सुखी रहो, आबाद रहो, खुश रहो। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। थैंक यू। तुम्हारा बेटा आ रहा है तुम्हें लेने? नहीं, वो आज नहीं आ रहा है। तो फिर हम साथ ही चलते हैं। बड़ा हो गया है ना, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। अय्या,
कमाल की एक्टिंग थी, सुपर। ऐसे ही चलता रहा तो अपने प्लेज हम ही देखेंगे, थिएटर का किराया भी नहीं निकलेगा, परफॉर्मेंस का क्या फायदा। ऐसे हिम्मत नहीं हारते, लोग आएंगे, पीपल कमिंग। अय्या आज का जमाना तो पूरी तरह से पब्लिसिटी का है, विदाउट एड एवरीथिंग बैड। देखो फिल्म वाले भी पेपर में एड डालते हैं ना, तो हमें भी अपने नाटक का एड डालना चाहिए, वी ऑल्सो पुट। नहीं नहीं, पैसों के लिए वरी नॉट, रंगा प्रेस में क्रेडिट दिलवा देगा, इनकम होते ही पैसे दे देंगे रिटर्न। रंगा से मेरी बात हो गई है। ऐड दे दो। सबका काम बढ़िया रहा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। खुश रहो रंगा। दादा, लक्ष्मी ने तुम्हें टीवी पर देखा? हाँ यार, मैं गया तो था लेकिन बिल्कुल मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि इधर तो हम राजा की माफिक एक्टिंग करता है ना दादा, और दादा हमको ये लेके गया था। हाँ, अरे आओ बैठो। नहीं मैं ऐसे ठीक हूँ, ऊपर देखने से मेरी गर्दन अकड़ जाएगी, बैठो। कल के प्ले में अच्छा करोगे ना? हाँ, जैसा आपने सिखाया वैसा करूंगा। मेरे सिखाए पे मत जाओ, अपना खुद का एक स्टाइल बनाओ। बर मोहिनी कहाँ है? शादी की डेट फिक्स हो गई? नहीं अय्या, बात नहीं बनी। क्यों? उन्होंने शर्त रख दी थी कि शादी के बाद मैं स्टेज पर एक्टिंग नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने शादी से मना कर दिया। शर्त लड़के ने रखी है या उसके माँ बाप ने? उसके माँ बाप ने। तो एक बार लड़के से भी बात करना, फिर फैसला लेना। ठीक है भैया। ठीक है, हम कल मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गुड नाइट गोपाल। गुड नाइट भैया। पुनीता। जी पापा। तुम कब आई? आज दोपहर को ही आई पापा। ये कोई टाइम है कपड़े धोने का? आज दिन में टाइम नहीं मिला। अच्छा, दामाद जी भी आए हैं? नहीं पापा, वो नहीं आए। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ पापा। मेरा लाडला कहाँ है? पापा वो अंदर है। तरुण। नाना जी। आजा मेरा राजा। लक्ष्मी जरा पानी देना। आजा मेरा मुन्ना, शाबाश। आज दोपहर को आए हो?
मतलब स्कूल नहीं गए? क्यों? आज हॉस्पिटल गया था। हॉस्पिटल? क्यों, क्या हुआ? आज सुबह फिर से अटैक आया था। मम्मी मुझे वहाँ लेकर गई थी। मेरा ऑपरेशन करने वाले हैं। तुमने कुछ खाया? गुड बॉय। चल बेटा अब हंस दे। नहीं हंसेगा? ये देख चूहा आया। चूहा आया कहाँ गया, कहाँ गया? ए जिक 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 जिक। पुनीता। आई पापा। दा 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 दा। आज फिर से मिर्गी का दौरा पड़ा? जी पापा। नहीं बेटा, आंखें खराब हो जाएंगी। क्या कहा डॉक्टर ने? सीटी स्कैन करके बताया कि इसके ब्रेन में एक गांठ है जो ऑपरेशन से ही निकलेगी। ओके। तुम चिंता मत करो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। नहीं पापा, ये सबसे बड़े स्पेशलिस्ट हैं। इन्होंने जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाने को कहा है। ठीक है, दामाद से बात करता हूँ। उन्होंने ऑफिस में लोन के लिए अप्लाई किया है। ऑपरेशन में टोटल 4 से 5 लाख का खर्चा है। पता नहीं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लेकर आएंगे। हौसला रखो, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। लक्ष्मी, ये सब बातें मुझे क्यों नहीं बताई? कैसे बताती जी, इसने भी मुझे आज ही बताया। आप थिएटर में थे इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। तरुण की बात थी तो डिस्टर्ब कर सकती थी। दरअसल एक वजह और भी थी। मैंने और पुनीता ने रिश्तेदारों से पैसे मांगे लेकिन सबने मना कर दिया। आप कपड़े बदल लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। Thank you.
ऐड देके भी पब्लिक नहीं आई। मनी जी आइया, तबीयत कैसी है? ठीक है। तुम्हारा रोल मोहन से करवाऊं? जरूरत नहीं, मैं कर लूंगा। तैयारी हो गई? हाँ हो गई। ठीक है, तुमने कहा था कि ऐड देने से हॉल फुल हो जाएगा। कोई बात नहीं, चलो। ये क्या, शादी पोस्टपोन करने को बोल रही है? मजाक है क्या? यही समझ लो, पर मैं फिलहाल शादी नहीं कर सकती। नहीं कर सकती मतलब कब तक नहीं करेगी? दिन, हफ्ते, महीने, शायद सालों तक। क्या एडी जैसी बातें कर रही है? मैंने तो हनीमून का टिकट भी बुक करा लिया है, अभी तेरी माँ की वजह से मून को देखते देखते हनी चाटना पड़ेगा। गिरीश, इसकी वजह माँ नहीं है। फिर कौन है? मैंने जो शादी के लिए पैसे इकट्ठे किए थे वो मेरे पापा ने कहीं खर्च कर दिए। जुए में हार गया होगा या तो ब्यौड़ा पी के कहीं टुन पड़ा होगा। गिरीश, मेरे पापा के बारे में ऐसा कभी मत कहना। किससे बातें कर रही हो कल्याणी? अरे गिरीश, कब आए बेटा? अभी 5 मिनट पहले। ये देखो शादी पोस्टपोन कर रही है, पूछो इसको। इसने मुझसे तो कुछ नहीं कहा। कल रात को ही डिसाइड किया। लेकिन क्यों? क्योंकि पापा को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए वो पैसे चाहिए थे। तो शादी का खर्चा? खर्चा मैं ही उठाऊंगी ना, फिर अपनी कमाई से इकट्ठा करूंगी। तेरा दिमाग तो ठीक है ना कल्याणी? मेरा दिमाग सही है। तुम अगर मेरा वेट नहीं कर सकते तो अभी बता दो, रिश्ता ही खत्म करें। रुको गिरीश रुको, बाप बेटी का कोई नया नाटक शुरू हो गया। आने दो उन्हें, खबर लेती हूँ उनकी। मैं चलता हूँ, बाद में आता हूँ। गिरीश मेरी बात सुनकर जाओ। कल्याणी तुम भी रुको, अपनी माँ से कहो रोना है तो बाद में रो लें, पहले मेरी बात सुन लें। कल रात मैंने एक फैसला लिया है, मैं कोई नौकरी कर लूंगा। पापा बीच में मत बोलो कल्याणी। मैंने तुमसे पैसे मांगे, क्या मैं उन्हें खर्च करता? नहीं। देखना था कि तुम अपने पापा पर कितना भरोसा करती हो, लेकिन तुम झट से राजी हो गई। अपनी शादी के लिए जो पैसे जमा किए थे उसे बिना कुछ सोचे समझे मेरे हवाले कर दिया, साबित कर दिया कि तुम मेरी बेटी हो। तुम चाहती तो एक नाकारा निकम्मा बुढ़ा समझकर मुझे टाल देती, लेकिन तुमने मुझे सम्मान दिया, और क्या चाहिए। मेरी आत्मा तृप्त कर दी तुमने। कोई और मुझ पर यकीन ना भी करे मुझे परवाह नहीं। पापा सब ठीक हो जाएगा, आपके लिए पैसे तो क्या, मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूं। पापा आया, आया
रेडियो सिटी 91.1। दोस्तों, आरजे रॉकी लेके आया है आपके लिए गुड न्यूज और एक बुरी खबर भी। बुरी खबर यह है कि जाने माने स्टेज एक्टर अभिनव कुमार उर्फ अय्या का आज शाम देहांत हो गया। और अच्छी खबर यह है कि सुपरस्टार सुरेश कुमार आज रात अपनी अगली फिल्म अनाउंस करने वाले हैं। मशहूर थिएटर आर्टिस्ट अभिनव कुमार उर्फ अय्या का कल शाम को दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। आपको बता दें कि वो उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर ने शोक जताते हुए कहा कि उनके चले जाने से कला और रंगमंच की दुनिया को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इतनी तकलीफें सहकर भी अय्या ने इस थिएटर को 50 सालों तक जिंदा रखा, अलाइव। अब जब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो इसे बंद कर दें, क्लोज? मेरा दिल नहीं मानता, नो। अगर रोज प्लेज ना भी कर सके एवरीडे, तो हफ्ते में एक बार तो कर सकते हैं, वंस अ वीक। अय्या भी यही चाहते, सेम टू सेम। ठीक बोला। अगर हम स्टेज से ज्यादा दिन तक दूर रहे तो हमारा आत्माओं का एक अंश मर सा जाएगा। नौकरी करता है तो मजबूरी है, पर ये स्टेज ही हमारा जिंदगी है। मैं तो कहती हूँ हमें हर रोज एक शो करना चाहिए। हाँ, अय्या की याद को जिंदा रखने का यही एक तरीका है, इसीलिए हमें शोज करने ही चाहिए। ठीक है, शनिवार से शुरू करते हैं, स्टार्ट। सही कहा। ठीक बोला, तो कल से रिहर्सल शुरू कर देते हैं। ठीक है, ओके। भीमा, तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? इतनी बड़ी बात कहाँ और किसके सामने कह रहा है? दिमाग भ्रष्ट हो चुका है। दिमाग भ्रष्ट हो चुका तभी तीन लोगों के देव के सामने ये बात कहने का दुस्साहस कर रहे हो। दिमाग भ्रष्ट हो चुका है तुम्हारा क्रोध की वजह से। कभी तीन लोगों के राजा तीन लोगों के देवों के सामने ऐसा बात करने का दुस्साहस कर रहा है? आ जाओ पांचाली, मेरी जांग पर आकर बैठ जाओ। इसने पांच पांडवों से विवाह रचाया है। भ्राता दुशासन, यहाँ आओ। इन अहंकारी पांडवों का सर लज्जा से झुका दो और द्रौपदी की साड़ी खींच लो। नहीं दुर्योधन, ऐसा मत करो। कृष्णा, द्वारकाधीश, मेरी रक्षा करो। इंद्रदेव की सौगंध, माँ शक्ति की सौगंध, इस सभा के सामने प्रतिज्ञा लेता हूँ इस कायर नपुंसक दुर्योधन को, जिसने अग्नि से मेरी पवित्र धर्मपत्नी को, मेरी पांचाली को अपमानित किया, उसका चीरहरण करके जंघाओं पे बिठाने का नीच आदेश दिया, या ग्लानी से सिर झुकाए मंत्रियों के सामने रणभूमि में अपने बल और शक्ति से उसके जंघाओं को चीर दूंगा। पांचाली को हाथ लगाने वाले दुशासन के हाथों को शरीर से उखाड़ फेंकूंगा और उनके विक्षिप्त शरीर से निकलने वाले रक्त को रस की भांति पी जाऊंगा। ये भविष्यवाणी आज अटल है, ये भीम का वचन नहीं है, ये परम शक्ति का वचन है। मुझे बल और साहस स्वयं परम शक्ति देगी।
इन्हें अपने कर्मों की सजा मिले। क्या कलाकार है, गुड एक्टिंग। रंगा कमाल कर दिया। जी दादा। भैया रंगा की एक्टिंग देखी? रंगा तुमने तो आज स्टेज को हिला दिया, शेकिंग। आपका आशीर्वाद है दादा। अय्या के सामने ऐसी एक्टिंग करते तो वो खुश हो जाते, हैप्पी। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना काफी है, इनफ। अब कॉस्ट्यूम्स और सेट्स के साथ कल प्रॉपर ड्रेस रिहर्सल करेंगे, टुमारो। ठीक है, ओके। ये सरासर अन्याय है, ये सरासर अनुचित है। एक व्यक्ति समझने की जगह आप लोगों ने मुझे एक वस्तु समझ लिया। जुए में हारने के बाद मुझे दांव पे लगाने का अधिकार किसने दिया आपको? आपसे मैं केवल द्रौपद की पुत्री कहलाऊंगी। हारने के पश्चात किस मुंह से मुझे अपनी धर्म पत्नी कह पाएंगे, इस बात का उत्तर है आपके पास? यहाँ पर कोई है जो मेरी पीड़ा समझ सके? सत्य क्या है ये जान के भी सबने यह मौन व्रत क्यों ले लिया है? क्या यहाँ न्याय की मृत्यु हो चुकी है? आज का बाद जुए में पत्नी तो क्या, कोई चाकर या दासी को भी दांव पे नहीं लगाने वाला है। भ्राताश्री, आप पश्चाताप कर रहे हैं अपनी पोती को हारने के बाद। कृष्णा, सर्वशक्तिमान कृष्णा, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, कृष्णा, मेरी रक्षा करो, द्वारकाधीश, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, कृष्णा। रक्षा करो, रक्षा करो। मैं आज और अभी मां शक्ति की प्रतिज्ञा लेती हूं, दुशासन की भुजाओं का रक्त और इस दुष्ट दुर्योधन की जांघों का रक्त, उन दोनों रक्तों को मिला के ही अपने केशों को धोने के बाद हाथों से तेल लगाऊंगी और उसी के बाद अपने केशों को बांधूंगी। उससे पहले केश नहीं बांधूंगी। वचन देती हूँ, नहीं बांधूंगी। सत्य वचन है। मोहिनी, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम ऐसी भी एक्टिंग कर सकती हो। तुमने तो कमाल कर दिया। मोहिनी ऐसी एक्टिंग कर सके ये मुमकिन नहीं, नॉट पॉसिबल। कहीं अय्या, द्रुपद की पुत्री, दृष्टद्युम्न की प्यारी बहन, तुम एक पासा के तुल्य नहीं हो सकती। ये पाप है, अधर्म है। तुमने उसे दासी से भी कम मान दिया, उसे जुए के दांव पर लगा दिया। जाओ, शीघ्र जाओ और जाकर मशालों को प्रज्वलित कर दो। दुर्योधन ने जो महापाप किया है उसके लिए उसका खेत महल हो अय्या यही है, हियर ओनली। भीम, तुम्हें आभास भी है तुम क्या कह रहे हो? इतनी बड़ी बात कह डाली तुमने, वो भी कहा और किसके समक्ष? क्रोध ने तुम्हारी सोच को अंधा कर दिया है। आज ये सही हिंदी कैसे बोल रहा है? हाउ, अपने भ्राता का विनाश करने की बात कह रहे हो? क्यों समझ नहीं रहे हो तुम? विवश है हम, वचन से बंधे हुए हैं हम। संयम रखना सीखो, समय का पहिया अवश्य घूमेगा और इस पहिए को घुमाएगा मेरा धनुष बाण।
रणभूमि पर अपने पूरे बल और शक्ति से उसके जंघाओं को चीर दूंगा। मेरी पत्नी को हाथ लगाने वाले अय्या, स्वागत है, वेलकम। ये बात अटल है, पूरा संसार देखेगा। ये भीम का वचन नहीं है, परम शक्ति का वचन है। मुझे बल और साहस स्वयं परम शक्ति देगी। इस कर्ण का वध युद्ध भूमि में मेरे हाथों से होगा। मैं कृष्ण के चरणों की सौगंध खाता हूँ, अपनी धर्म पत्नी की सौगंध, अपने धनुष की सौगंध खाकर कहता हूँ, दुर्योधन तैयार रहना, युद्ध का बिगुल बजाऊंगा और वहां मेरे युद्ध कौशल्य से तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। क्या एक्टर है यार, आयला बहुत सॉलिड एक्टिंग कर दिया मैंने आज। चलो बाबा नमस्कार करो। बेटा पुनीता, जरा यहां आओ, कम हियर। अय्या हमें छोड़ के नहीं गए, नॉट गॉन, यही है। कल वो रंगा के अंदर थे इनसाइड, फिर वो मुझे मोहिनी में दिखे, और आज वो मुझे श्रवण में दिखे। वो कोई और नहीं, नोबडी, हमारे अय्या थे। तो क्या उनकी आत्मा यही है? 50 साल थिएटर से जुड़े रहे, 50 years, ऐसे ही छोड़ देंगे इसे? सिर्फ उनका शरीर गया है, उनकी आत्मा यही है, हियर। हर बार नए किरदार में आते हैं, कमिंग। 2 दिनों से मैं खुद देख रहा हूं, लुकिंग। एक काम करो, अगला नाटक देखने आना, प्लीज कम, खुद सब समझ जाओगी। कौन है भैया? फिल्मों के कोई डायरेक्टर आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, ओके, आता हूं, रुको, वेट। नमस्ते। हाँ, नमस्कार, मैं मनोज त्यागी। बताइए, टेल मी। अपनी अगली फिल्म के लिए हीरो की तलाश कर रहा हूँ। आज मैंने आपका प्ले देखा, जिसने अर्जुन का किरदार निभाया है, बहुत ही टैलेंटेड है। आयला, लगता है लॉटरी लग गई। वो मेरी कहानी में फिट बैठता है। मैंने उससे बात की तो उसने कहा आपसे करूं। तुम बाहर रुको, वेट आउटसाइड। अरे काका, क्या गोली मार रहे हो? सर, आपने हमारा प्ले पहली बार देखा ना, फर्स्ट टाइम? जी हाँ। एक एहसान करेंगे, फेवर? कहिए ना। एक बार और ये प्ले देख लें, फिर फैसला करें, देन डिसाइड। उसकी क्या जरूरत है? जरूरत है, ठीक है, देख लेता हूं। इस नाटक के निर्देशक हैं अभिनव कुमार उर्फ अय्या, दुशासन बने हैं शंकर, भीम बने हैं रंगा, अर्जुन के किरदार में श्रवण, पांचाली बनी है मोहिनी, और मणि दुर्योधन।
ये सरासर अन्याय है, ये सरासर अनुचित है। एक व्यक्ति समझने की जगह आप लोगों ने मुझे एक वस्तु समझ लिया। जुए में हारने के बाद मुझे दांव पे लगाने का अधिकार किसने दिया आपको? आपसे मैं केवल द्रौपद की पुत्री कहलाऊंगी। जाओ, शीघ्र जाओ और जाकर मशालों को प्रज्वलित कर दो। दुर्योधन ने जो महापाप किया है उसके लिए उसका खेत महल सबको अग्नि के हवाले कर दो। भीमा, तुझे पता भी है तू इस वक्त क्या बोल रहा है? इतनी बड़ी बात कह डाली, कहा और किसके सामने? कल तो इसकी हिंदी बिल्कुल ठीक थी, आज क्या हो गया? कभी तीन लोगों के राजा, तीन लोगों के देव के सामने अपने भ्राता के विनाश की बात कर रहा है? परिस्थितियों के सामने विवश है हम तुम, अपने वचन से बंधे हैं हम। समय का जो पहिया है वो अवश्य घूमेगा, सत्य और न्याय की विजय होगी, ये कभी मत भूलो तुम। भ्राता श्री, मेरे हाथ में गांडीव धनुष है, उसी से उसका वध करूंगा। हे महाराजा, द्रौपदी के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उसे न्याय नहीं दिला पाए तो पश्चाताप की अग्नि में जलते रहेंगे, कभी शांति से जी नहीं पाएंगे। हमारे पूर्वज भी तो एक से एक महान राजा थे, क्या उन्होंने कभी अपनी पत्नियों का ऐसा तिरस्कार किया? अब इतिहास के पन्नों में ऐसा पत्नी को दांव पर लगाने तो ये सही एक्टिंग कर रहा है। कार्य पढ़ने को नहीं मिलेगा। आज इंद्रप्रस्थ का राजा जुए में हारने के पश्चात हमारा चाकर बन चुका है। न राज्य है, न घर है, न ही अब कोई पत्नी, अब केवल चाकरता ही उनकी संपत्ति है। बताओ आप दांव पे और क्या लगा सकते हो? ये मैं नहीं बल्कि एक दासी बन चुकी रानी अपने कायर पतियों से पूछ रही है। यकीन हो गया कि एक्टिंग अय्या ही कर रहे थे। मेरी फिल्म के रिलीज से पहले ही पापा चल बसे, फिर किसी भगवान के सामने मैंने कभी हाथ नहीं जोड़े सिवाय अपने पिता की तस्वीर के। उन्हें हमेशा अपने पास महसूस करता हूं मैं, हर कदम पर मेरी हेल्प करते हैं। जब वो मेरे साथ हो सकते हैं तो अय्या आपके साथ क्यों नहीं हो सकते? अपनी फिल्म के लिए कोई और एक्टर नहीं चाहिए, कल साइनिंग अमाउंट लाऊंगा, ये रोल श्रवण ही करेगा। मुझे पूरा यकीन है कि अय्या मेरी फिल्म में एक्टिंग करेंगे। अगर अय्या मेरी फिल्म में काम करेंगे तो जितनी हीरो की फीस है मैं आप लोगों को उससे ज्यादा ही दूंगा। अगर अय्या की आत्मा नहीं आती है तो साइनिंग अमाउंट आप रख लेना। कल सुबह आऊंगा, चलता हूं। आशीर्वाद ले लो बेटा। साउंड रोलिंग 14x1 टेक वन। कैमरा रोलिंग। एक्शन। हाँ सर। अय्या वहां पहुंच गए।
बाबा कितनी देर एक्सप्रेशन होल्ड करके रखने का। चलो बाबा कट बोल कट बोल कट बोल। तरुण के ऑपरेशन में और देरी मत करो, डोंट डिले। जीते रहो। मेरा एक फ्रेंड श्रवण को स्क्रिप्ट सुनाना चाहता है। मैं चाहता हूं कि पहले आप सुन ले, आपके अप्रूवल के बाद ही कोई बात करेंगे। सुन लेते हैं, लिसनिंग। नमस्ते। हाय। हेलो। हेलो। मैंने कहानी सुन ली, अच्छी है, गुड। ठीक है, तो मैं सर से डिस्कस करके तुम्हें फोन करता हूँ। ठीक है त्यागी। ओके ओके, थैंक यू। चलिए सर। मैंने पहले भी समझाया था, पहले अय्या की इजाजत ले ले, परमिशन, बाकी सब बाद में, लेटर। ओके सर। मारन की फिल्म के लिए अय्या ने हाँ कर दी है। अच्छी फिल्में आती रहीं, कीप कमिंग, तो अय्या उनमें एक्टिंग करते रहेंगे। ये कहानी अंडरवर्ल्ड पर बेस्ड है। हमारा हीरो पहले नेगेटिव रहता है, बाद में पॉजिटिव हो जाता है। इसमें नहीं कर पाएंगे। ये एक फ्रीडम फाइटर की कहानी है, पूरी तरह कमर्शियल नहीं है, सोशल है। ठीक है, ओके, इसमें करेंगे। अवार्ड मिलने पर आपको कैसा लगा? अवार्ड्स मिलने पे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन असली अवार्ड तो मेरे फैंस का प्यार। नहीं नहीं, पैसों की कोई बात नहीं है, नो इशू। पहले कहानी सुन लेते हैं, अच्छी होगी तो जरूर करेंगे, श्योरली। ये काका तो मेरा बाप बनने को देख रहे हैं। इस तरह तुम इंसाफ की आवाज का गला नहीं घोट सकते अपने औकात में। श्रवण आया। अरे श्रवण, तुम तो स्टार बन गए। कहते हैं कि सिनेमा ने थिएटर की कोख से जन्म लिया है, और आज के हमारे सुपरस्टार ने भी स्टेज से ही सिनेमा में एंट्री ली है, मिस्टर श्रवण कुमार। मैंने श्रवण की एक नहीं सारी फिल्में देखी हैं। हाल ही में काला सच फिल्म के लिए भी इन्हें अवार्ड मिला था, क्योंकि इनकी अदाकारी में एक ताजगी है, एक नेचुरलपन है जो इन्हें सबसे अलग करता है। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं, इन्हें और कामयाबी मिले, मैं दिल से यही मनोकामना करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। मेरे को पॉलिटिक्स में नहीं आने का है। ओके सर, प्रोड्यूसर को बोलना फोन करने को, मैं बात कर लूंगा उनसे। ठीक है, बोलता हूँ। थैंक्स, चलता। थैंक यू। काका काय को आया। श्रवण ये कौन था? हु ही? मेरी अगली फिल्म का डायरेक्टर है। अगली फिल्म कौन सी? विच फिल्म? एक नई फिल्म साइन करने वाला हूं। एकदम झाका स्टोरी है, मैंने सुन ली। तुमने सुनी है? मैंने नहीं, नॉट मी। तो क्या फर्क पड़ता है? वेस्ट ऑफ एनर्जी। अब से सब फैसले मैं ही लूंगा। अय्या किसी भी अरी गरी फिल्म में काम नहीं करेंगे। नो। ये क्या अय्या अय्या करे, कौड़ बजाते रहते हो? इधर दिन रात काम मैं कर रहा हूं, मेरे फैन मेरे को देखने सिनेमा हॉल में आते, हर बात के लिए आइया को क्रेडिट क्यों देगा?
प्रोड्यूसर से तुम लाखों लेते हो और मेरे को देते हो ठुल्लू। काका आया की इज्जत मैं भी करता है, आप ही के थिएटर से निकला हूं और अब मैं खुद का डिसीजन लेगा, आपकी जरूरत नहीं है, मैं मेरा देख लेगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे पीछे हटिए पीछे हटिए पीछे, चलिए रुको। अरे मैडम क्या, एक सेल्फी। श्योर सर, एक सेल्फी मेरे साथ। ये ना, हाँ थैंक यू सर। थैंक्स। हाय मॉर्निंग, हेलो, हाय। हाँ नमस्ते सर। सर ए मिरर निकाल। हाँ ब्रेकफास्ट मैंने खाया, रिटेक देखे। हाँ सीन बताओ सर। सर सीन ऐसा है कि आप पार्क के अंदर बैठे हैं रीटेक देके, ओके, और आपकी स्कूल की गर्लफ्रेंड है ना, वो आपको अचानक दिखाई देती है। ओके आप उसे देखकर शॉक हो जाते हैं, वो भी हो जाती है रीटेक देके। ओके तो वो मुड़ के तुम चालू रखो, तो वो आपको देखती है, आप उसको देखते हैं शॉक, सरप्राइज, हैप्पीनेस, प्यार का जज्बा, सब इमोशंस के साथ उसे देखते रहते हैं रीटेक दे देकर सर। हाँ गर्मी बहुत बढ़ गई ना, ए जूस लेके आ रहे जा। चलो ओके सर, मैं बिल्कुल रेडी। पोजीशन बताओ सर, उस बेंच पे। ओके और सर वो हीरोइन किधर? वहाँ उस पेड़ के नीचे सर। ओ ओके सर। हाँ वहाँ हीरोइन रीटेक देगी, आप यहाँ बेंच पे। ओ ऐसा है क्या, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ओके सर मैं रेडी है। सर शुरू में आप राइट साइड की ओर देखेंगे, हाँ जैसे ही आप टर्न करेंगे हीरोइन आपको दिखाई देगी, और नजर पड़ते ही रिटेक रिएक्शन देना है। हाँ सर वो पोजीशन बता रहा है। मेरे को लगा हाई कर रहा है। टेक करें सर। हाँ क्लैप दो, कैमरा आउट, एक्शन। क्या लग रहे झकास। अरे आहा मजा आ गया। किसने इसे अवार्ड दे दिया? कट। ओके थाना सर। सर लगा जैसे आप उसे पहले से जानते हैं। उसको जानता है ना मैं। सर आप उसे जानते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि वो यहां पर मिलेगी। ओ ऐसा है क्या? कैजुअली टर्न करिए ना। कैजुअली देखने का? एग्जैक्टली। हाँ ठीक। वैसे फूल गिराने जरूरी है क्या? बहुत डिस्टर्बिंग होता है। नखरे देखो इसके। ए पिंटो हाँ फूल रहने दे। ठीक है ये सब बाद में ग्राफिक में कर लेना ना। अबे गधे मछली को तैरना सिखा रहा है। क्लैपिंग, कैमरा रोलिंग, एक्शन। क्या लग रही भाई, मस्त है। हे भगवान एकदम कड़क। चलना हम क्या स्मेल आ रही, कौन सा इतर लगाती तू? ओहो बेड़ा कर्क। क्या बोल दी, इतना भाव खाएगी क्या? चलना माइक घुसेर दू। कट। ओके था ना, नेक्स्ट शॉट लगाओ। एक बार देख तो लीजिए। हाँ आता हूं। सर जैसा आपने बोला था, पहले शौक, बाद में खुशी, फिर प्यार। वाह सही तो है। क्या खाक सही है।
क्या सर, इमोशनल हो गए क्या? आपको यही तो मूड चाहिए था ना? आपको मूड समझाया था, इमोशंस का ओवरडोज देने को नहीं कहा सर। सर मैं तो डायरेक्टर का आर्टिस्ट है, जो डायरेक्टर बोलेगा वही मैं करेगा। हाँ वो मैं जानता हूं, एक लुक से सारे मूड एक साथ दिखे। मैंने भी तो वही सेज किया ना। अरे घटिया एक्टर, अब मैं कैसे समझाऊं सर आपको? चिल मार, अब देख एक्शन। क्या लग रही? ओहो क्या साड़ी है, आया है क्या मस्त कड़क इसके तो। कट, एक्टिंग का रेप कर रहा है। ओके ना सर? सर मिक्स्ड इमोशंस को समझिए। मिक्सर में डालू क्या? अभी तक आपको जो समझाया उसे भूल जाइए रीटेक देके। भूल जाइए मतलब? याद कीजिए जब आप स्कूल में थे तो लव तो हुआ ही होगा आपको रीटेक देके। हुआ था ना। सोचिए वही लड़की 10 साल बाद आपको दिखाई दे रही है। हाँ दिखाई दे रही है। तो उसको कैसा लुक देंगे आप? सर ये तो बहुत सिंपल है, आप मेरी एक्टिंग देखो। बातें तो ऑस्कर विनर की तरह कर रहा है। क्लैपिंग। हाँ स्कूल में था तभी सोचा नहीं था बड़ी होके इतनी सॉलिड बनेगी तू। एक्टिंग देखो, ये एक्टिंग देखो तेरी। तब नहीं मिली तो अब भी तो मिल जाए ना। इसके तो कट। ओके ना सर, ये ज्यादा ही मेलोड्रामेटिक है। यस यही तो आपको चाहिए था ना। अभी जो आपने एक्सप्रेशन दिए उसको थोड़ा टोन डाउन करो ना रिटेक देके। टोन डाउन? तो ये पहले बताना चाहिए था ना मेरे को। अपराध हो गया सर, मूड को फील कीजिए ना सर। एक लुक से ही काम हो जाए, इतना मुंह बनाने की जरूरत नहीं रिटेक देके। एक्शन। अभी इसको ऐसा टोन डाउन देता हूं ना, ये भी बोलेगा कितना टोन डाउन किया है। क्या कर रहा है ये? हाँ अभी हंसूंगा ही नहीं। हे भगवान मुझे उठा लो। अब बोल। ओके होएगा शॉट ये नक्की। अरे बोल ना कट। खड़े क्यों हो गए आप? शॉट हो गया ना सर जी, फेस एकदम ब्लैंक था, लाइफलेस। टेंशन मत ले, अभी सही होगा। हाँ एक्शन। हायला ये तो वही है, पहले छोटी नहीं थी अब लंबी छोटी भी हो गई। अबे सुधर जा, हट। क्या ऐसे समझाओ सर, इतना दांत मत दिखाओ ना। सर पहले तुमने बोला मेलो ड्रामा नहीं चाहिए, फिर बोलते हो कि ब्लैंक फेस नहीं चाहिए, अभी दांत दिखाए बगैर कैसे हंसेगा? सर एक्सप्रेशन वही दीजिए, बस दांत मत दिखाइए, टूथपेस्ट का ऐड थोड़ी है ये। ठीक है सर, अभी हम लोग एक फाइनल टेक लेते हैं। ओके एक्शन। क्या कैसी है? अरे वाह किधर गई थी? आ रही क्या? चल कॉफी पीते, चल बिस्किट भी खाएंगे, कुकी। चमायला ये क्यों हंस रहा है? कुछ लोचा तो नहीं कर रहा हूं ना मैं? हाँ ये भी हंस रहा है, मैं कुछ कॉमेडी कर रहा हूं क्या?
ये भी हंस रहे। यही फूल मारो क्या तेरे मुंह पे? महिला सब के सब हंस रहे हैं। सर जी आप मुड़ना छोड़ दीजिए, एक प्यारा सा लुक दे दीजिए ना, एक ट्राई और करते हैं, रिटेक देंगे। सर एक ब्रेक ले लूँ क्या? थोड़ा चाय पी के आता हूँ फिर करते। ओके जाइए। क्या हुआ सर? यार समझ में नहीं आ रहा, पिछले हफ्ते तो इसकी बैटरी फुल चार्ज थी, अचानक से डाउन कैसे हो गई? सर आपकी चाय। सर मेरे सर पे डाल। ए छोटू, वैनिटी के अंदर एक बुड्ढा था, किधर गया? कौन सर? आप परशुराम सर की बात कर रहे हैं? वो तो कब के चले गए? ऐसा तो नहीं कि आइया भी मुझे छोड़ के चले गए? सही शॉट दे दे मेरे भाई, वरना मुझे शूट कर दे। सर हाँ सर हाँ चलिए। ओके एवरीवन रेडी, टेकिंग लाइट्स, कैमरा। नहीं जी चल। एक्शन एक्शन। हट। सर जबरदस्ती काय को घूम रहे हैं? नेचुरल वे में घूमू और नहीं तो। एक्शन कट। हट। ये तो डर की फीलिंग आ रही है सर। डरा हुआ लग रहा हूं। एक्शन कट। सर टेंशन में दिख रहे हैं आप। टेंशन में दिख रहा हूं क्या? ऑफकोर्स। एक्शन। सर लाइट फूट गई सर। क्या हुआ? सर बल्ब फ्यूज हो गया सर। लाइट भी इसको झेल नहीं पाई। सर एक मिनट। क्या हुआ? आज तबीयत ठीक नहीं है, कल शूट कर ले क्या? सर ये पहले बोलना चाहिए था ना। चाहिए। थैंक्स। ए आनंद, अगर आइया वापस नहीं आए तो मेरा खेल खत्म। एक्शन। काका आपकी बात नहीं समझ पाया, मुझे माफ कर दो। अब से कहानी आप ही डिसाइड करेंगे, हाँ तो हाँ ना तो ना। प्लीज आइया को वापस आने को बोलो। अभी जाओ को काका। Thank you.
अगर ये चपड़ गंजू एक्टिंग नहीं कर पाया तो मेरा तो भट्टा बैठ जाएगा। श्रवण जी, श्रवण जी। सर, कुछ परेशानी है? मुझे बताइए ना, एनी हेल्थ इश्यूज? नहीं सर। फैमिली प्रॉब्लम है? सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो फिर इतने टेंस क्यों दिख रहे हैं आप? नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, आज अच्छे से कर लेंगे। शूटिंग करना चाहते हैं आप? आर यू श्योर? कुछ डरे से लग रहे हैं रीटेक देखे। श्रवण जी, मुझे अपना छोटा भाई समझिए ना, जो भी बात है खुल के बताइए प्लीज। सर, कुछ कन्फेस करने का है, वो मेरी एक्टिंग नहीं थी सर, वो मेरे अंदर आया थे जो एक्टिंग कर रहे थे। अय्या कौन? अय्या सर, अय्या मतलब अभिनव कुमार, हमारे थिएटर के डायरेक्टर। मेरे अंदर उनकी आत्मा थी जो एक्टिंग कर रही थी। वो त्यागी सर ने उनकी फिल्म के अंदर मेरे को हीरो का रोल ऑफर किया था। परशुराम काका ने मेरे को परमिशन दिया था। वो शरीर तो मेरा था पर एक्टिंग तो अय्या की थी सर। कल मैंने परशुराम काका का अपमान किया, तभी से आया मेरे शरीर से निकल के, इसलिए मेरे को एक्टिंग नहीं जम रही है सर। मेरे को बहुत कम एक्सपीरियंस है सर, चाहे जितने भी टेक ले लो, आपको जैसा चाहिए वैसा नहीं कर पाऊंगा। अब एक ही रास्ता बचा है। कौन सा रास्ता? आया को वापस लाना पड़ेगा। अय्या मेरा बाप है जो मेरे बोलने से आ जाएगा। ओए, तेरा ये हीरो ड्रग्स वग्स लेता है क्या? मुझे पता नहीं है सर। हाँ बोलो सुंदर। यार त्यागी श्रवण अच्छी एक्टिंग कर रहा था, लेकिन अब कंप्लीटली ब्लैंक हो गया। क्या हो गया उसे? जब उससे पूछा तो कहा कि अय्या की आत्मा आई थी, अब वो चले गए इसलिए एक्टिंग नहीं कर पा रहा हूं। क्या बकवास किया जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो सब बता दिया उसने? क्या मतलब? मेरी फिल्म में श्रवण ने जो एक्टिंग की थी वो उसकी नहीं थी। तो किसकी एक्टिंग थी? सच बात तो ये है कि अय्या की आत्मा श्रवण में एक्टिंग कर रही थी। मैंने अय्या के प्लेस देखे हैं, अय्या के बिना श्रवण कुछ भी नहीं है। यकीन करना ना करना तुम्हारी मर्जी है, पर मेरी फिल्म अय्या ने हिट करवाई। चलो मान लिया कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन वो मेरी फिल्म बीच में छोड़कर क्यों चले गए? इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। तुम वजह नहीं हो सकते, शायद उसने कुछ गलती की होगी। त्यागी मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है। गुस्सा करने से कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, एक ही सलूशन है। वो क्या? जो श्रवण ने कहा, अय्या को फिर से बुलाना होगा। बाबा क्या है ये? अरे किसी इंग्लिश फिल्म का कहानी लगता है, तुमको बेवकूफ दिखता हूँ क्या मैं? अरे तुम्हारा बकवास को मान लेगा क्या? अरे बाबा कुछ भी शूट करके लाया? नहीं सर। आज तक तुम्हारा एक भी पिक्चर मेरे को अच्छा नहीं लगा, बड़ी सारा स्लो अनग्लैमरस और बोरिंग है। मैंने पैसा श्रवण की वजह से लगाया है और तुम बोल रहे हो श्रवण को एक्टिंग नहीं आता? अरे झूठ क्यों बोल रहे हो? सर मैं आपसे झूठ क्यों कहूंगा, उसकी बात को झूठ समझ के मैंने त्यागी। चलिया, ये फिल्मी कहानी मेरे को मत सुनाओ। अरे 10% पे पैसा उठाया मैंने, सिर्फ 25 दिन का शूटिंग पूरा हो पाया है। अरे तुम्हारे भरोसे तो मैंने लाखों रुपए खर्च कर दिए। हाँ
अरे कैसे क्या करना है वो सब तुम जानो। अरे छुट्टी चाहिए तो ब्रेक ले लो, वड़ी उसको अच्छा से ट्रेन करो और फिल्म कंप्लीट करो, वड़ी हीरो तो वही रहेगा। सर उसे ट्रेन करना कोई बच्चों का खेल नहीं है सर, ये तुम जानो। सर अरे चढ़िया जा, दिमाग मत खराब कर। ब्रेकिंग न्यूज, सुपरस्टार श्रवण कुमार के बारे में एक हैरत अंगेज बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि फिल्मों में उनके बेहतरीन अभिनय के पीछे मशहूर स्टेज एक्टर अय्या की आत्मा का हाथ है। श्रवण को फिल्मों में लॉन्च करने वाले डायरेक्टर त्यागी ने इस बात की पुष्टि की कि एक्टिंग करते वक्त श्रवण के शरीर के अंदर अय्या की आत्मा एक्टिंग करती है, ये अविश्वसनीय है। थिएटर ओनर और अय्या के मित्र परशुराम ने आज रिपोर्टर से बात की। अय्या के लिए एक्टिंग उनका जीवन था, उसके बिना वो कुछ नहीं थे, नथिंग। एक्टिंग से उनका अस्तित्व था और एक्टिंग करते हुए ही उनकी मौत हुई। लेकिन आज भी इवन टुडे वो लगातार एक्टिंग कर रहे हैं, उन्हीं की कमाई से हमारे घर चलते हैं, ये सच है, फैक्ट। वरिष्ठ फिल्म निर्देशक भारत राजन ने मीडिया के सामने इस बारे में बात की। अब मैं क्या कहूँ, सच मानो तो इस खबर पर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। लेकिन मेरा सोचना है, आर्टिस्ट कभी नहीं मरता, किसी न किसी रूप में हमारे सामने आता ही है। अभिनव कुमार उर्फ अय्या, आज नहीं सालों से मैं उनके प्लेस देखता आया हूँ, उनके टैलेंट की कदर करता हूँ। एक बार की बात है, उन्हें अपने फिल्म में काम करने का ऑफर दिया, मना कर दिया। मुझे उसका कारण भी बताया, कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं सिर्फ और सिर्फ लाइव ऑडियंस के सामने ही परफॉर्म करना चाहूंगा। चांस मिस कर दिया। वो सब फिल्में जिनकी चर्चा आज हो रही है मैंने नहीं देखी, लेकिन अब जरूर देखूंगा। यही है। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते सर, बैठिए, सिट। सर मैं थाई प्रोडक्शन से आया हूँ रवि, मेरी नई प्रोडक्शन के लिए मैं चाहता था कि आप अय्या की डेट्स मुझे दे दें। बहुत बढ़िया कहानी है सर, फीमेल ओरिएंटेड, लड़की भी फाइनल कर ली है सर, एक्टिंग भी ठीक ठाक करती है, बाकी अय्या संभाल लेंगे। मैं जानता हूँ सर, अय्या ने फीमेल कैरेक्टर्स भी किए हैं अपने ड्रामास में, और इस कैरेक्टर में तो अय्या जान ही डाल देंगे। रवि जी कहानी सुने बिना विदाउट लिसनिंग जब कहो तब आके सुना दूंगा, अय्या का अप्रूवल मिलते ही शूटिंग भी शुरू कर दूंगा। अगर अय्या ने इस फिल्म में एक्टिंग कर दी तो फिल्म तो सुपर हिट है। सर मैं कमला प्रोडक्शन से आया हूँ, रमेश। अय्या जी को साइन करना चाहता हूँ। बाप बेटे की कहानी है, बाप भी अय्या है और बेटा भी अय्या है, डबल रोल है। सर एक स्पेशल रोल है 5 साल के बच्चे का। आपको बस सीधा चलकर जाना है और मार्ग पर रुक जाना है। सर ये कहानी ना माँ और बच्चे की है, जिसमें बच्चा उसका नहीं होता पर वो उसे पालती है। अच्छी कहानी है, नाइस स्टोरी। मोहिनी तुम्हारी एंट्री का टाइम हो गया। देखिए परसों अय्या नहीं आ पाएंगे, यहां ऑलरेडी उनका एक शो है। ठीक है, ओके। सुनो तैयार हो, रेडी? हाँ सर। मैं बीमार नहीं पड़ सकता, मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। मैं टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन लेता हूँ, इसीलिए हर बीमारी से बच जाता हूँ। मैं चाहता था ऐसे मुल्क का बनूंगा मैं राजा। लाखों में एक स्टोरी है सर, आपका क्या ख्याल है? माफ कीजिए, मजा नहीं आया, नो फन। मोटा भाई
छेल्ला 50 वर्षों से फिल्म बना रहे हैं। फैमिली गौर महाराज ने एडवाइस दी कि तुम्हारी 7.5 चल रही है इतने फिल्म बनाना मत, इसलिए वेट किया। अब इतने गैप के बाद फिल्म बना रहा हूँ तो मुझे अय्या चाहिए ही चाहिए। मुश्किल है, डिफिकल्ट। एकदम शाकाहारी फैमिली फिल्म बना रहा हूँ, एक नंबर स्टोरी है, ये बंगाली बाबू सुनाएगा। दादा यह हमारे कोलकाता का कहानी है। अच्छी कहानी है, ठीक है, ओके, धन्यवाद। हीरो कौन है? हूँ आखिर में एक्टिंग तो अय्या को करनी है, हीरो मैं बन जाता हूँ मोटा भाई। अय्या यानी हमारे अभिनव जी। माफ कीजिए सॉरी, अगले 2 महीनों तक कोई डेट नहीं है। दिन भर शूटिंग करने के बाद नाइट शिफ्ट कैसे करेंगे बताइए, टेल मी। एक काम हो सकता है, वन थिंग, मैं 20 और 21 का कुछ करता हूँ, समथिंग। उस पोस्टर पे जो लिखा है वो गलत है, अय्या ने उसमें एक्टिंग की ही नहीं थी, अय्या के नाम का फायदा उठाया गया, ये बात मीडिया को बताइए। एक्शन। भैया उसने क्या आपको यही कहानी सुनाई थी? यहाँ जेठालाल की शूटिंग चल रही है जी, अंदर फैक्ट्री में।
सुपर सर, मैंने सोचा नहीं था सर कि आप ऐसा शॉट देंगे, मैं तो हैरान रह गया सर। सुपर सर। पैक अप। शॉट सही था ना बंगाली बाबू? हाँ दादा, एकदम सॉलिड था, पूरा हॉल में सीटी बजेगा। अगला गाना हम मॉरिशियस में शूट करेंगे। आप कब आए? थोड़ी देर पहले ही। बैठिए ना स्पॉट दादा। देखिएगा ये फिल्म तो रिलीज होते ही धूम मचा देगी, पिछले सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ के रख देगी। क्या रे सर के लिए चाय कॉफी कुछ लाने? नहीं चाहिए। चल जा। ये कैसी फिल्म बना रहे हैं? व्हाट इज दिस? अरे क्या मतलब व्हाट इज दिस? मेरा सीन है, सेकंड हीरोइन का रेप हो रहा है ना, तभी मैं उसे बचाता हूँ। वो गांडी हो जाती है और मेरे को गले लग जाती है। कट टू मॉरिशियस में गाना, अगले हफ्ते वो शेड्यूल है। जो कहानी मुझे सुनाई थी उसमें ये सीन नहीं था, नॉट देयर। ऑडियंस को होल तक लाने के लिए ये सब करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिल्म धंधा कैसे करेगी? वो मैं नहीं जानता, आप स्टोरी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये मोटा भाई, स्टोरी नरेशन में कोई फाइट या सॉन्ग सीक्वेंस थोड़ी बताता है। जो कहानी सुनाई थी वही फिल्म बनाइए, ये सब नहीं चलेगा। नो। ये मोटा भाई, कल को अय्या की पिक्चर फ्लॉप हो गई ये बोल के कि इसमें फाइट या सॉन्ग सीक्वेंस नहीं है, तो सब मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे ना, तुमको कोई उंगली करने नहीं आएगा। ये आप गलत कर रहे हैं, इट्स रॉन्ग। रॉन्ग नहीं है, इंडस्ट्री में यही होता है, स्टोरी होती कुछ है ना बनाते कुछ और है। कौन देखेगा सिंपल ने सीधी स्टोरी? कोई भी पिक्चर हो मसाला तो डालना ही पड़ता है। इसी वजह से अय्या ने कभी फिल्मों में काम नहीं किया, आज की ऑडियंस काफी समझदार हो चुकी है। मोटा भाई आपड़े व्यापारी लोग है, नुकसान में धंधा करेंगे क्या? अय्या अभी तक क्लासेस के हीरो थे, हम लोग उनको मासिस के हीरो बनाएंगे। अरे जनता का सुपरस्टार बनाएंगे। मारा पर भरोसा रखो मोटा भाई, उनको खाली अपने देश का नहीं, आपके अय्या को पूरी दुनिया का स्टार बनाएंगे। जरूरत नहीं, ऐसे मशहूर नहीं करना। अटली जीत केम, तुम्हें धंधे की बात सोचो ने, मैं अच्छी पिक्चर बना रहा हूँ, बस तुम उसमें उंगली मत करो। जो चीज समझ में नहीं आती है ना, उसमें अपनी टांग नहीं अड़ाने का। अय्या को इस फिल्म के लिए मैं फुल पेमेंट कर चुका हूँ, अय्या को एक्टिंग करनी पड़ेगी। अबे ये मैटर मेरी है अने अय्या की है, तुम कौन होते हो? नमस्ते सर, लोकेशन फिक्स हो गई, आपके तीन सीन। कितने बजे की शिफ्ट है? सुबह 7 बजे की सर। एड्रेस SMS कर देना। बाद में फोन करती हूँ। ओके बाय। और बेबी गए? जल्दी करो सब लोग, चलो। और वो बटर पेपर? इधर से आएगा ना तो वो जो हाय मनीषा केम छो? ठीक हूँ। हाय राज, मैं अभी आई। एक हने दादा, दादा, दादा। हाँ तो दादा ऑफिस जाने के लिए आप उधर से नीचे उतरेगा और आके आप अपना वाइफ को ढूंढेगा, लेकिन वो तो किचन में चाय बना रहा है, तो आप उधर उसको आवाज लगाएगा मालती और हम कट करेगा। वाइफ पूछेगा की होलो और दौड़ के आएगा। अब इसके आगे का शॉट हम बाद में बोलिए। मालती। ओके। हाँ दादा, टेक करो। रेडी, रोल कैमरा 25x1 टेक 1 एक्शन। माँ कॉट कॉट। दादा ओ गुस्सा लग रहा है, मिष्टी मीठा बोलून। मीठा ना थी ना दादा, थोड़ा शक्कर और डालो, और शक्कर। ओके दादा टेक।
रोल कैमरा, टेक टू, एक्शन। अम्मा दादा कट कट सीन की माँ, मेरा मतलब माँ को नहीं बुलाने का दादा, वाइफ को बुलाने का। वाइफ को? हाँ दादा। और एक बार सीन समझा तो जरा। वो दादा आप अपना वाइफ को बहुत प्यार करता है, एक दिन आगे आप अपना वाइफ को पकड़ के प्यार किया था दादा। इसको ही आप अपना अंदर वही फील रखो और बोलो मालती, बस यही टुकी चाहिए। ओके, इसके पहले लव सीन था ने? हाँ दादा। तो ऐसा बोलना चाहिए ना। सॉरी दादा। चल जा, टेक कर। एक दादा, वन मोर। हाँ रेडी, रोल कैमरा, रोलिंग, टेक थ्री, एक्शन। माल दादा, कॉट कॉट दादा, रोमांटिक रात खत्म। खत्म मतलब? तूने ही तो बोला रोमांटिक होना है। हाँ दादा, लेकिन ये थोड़ा जास्ती हो गया दादा। एक वन मोर करेगा दादा प्लीज। ये तो बहुत ले रहा है, टेक पे टेक। ओके दादा, वन मोर करेगा। रोल कैमरा, टेक फोर, एक्शन। माल ती दादा, कट कट दादा, थोड़ा फीलिंग लाओ दादा। फीलिंग नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा दादा, मेरे को भी समझ में आ रहा है, फीलिंग नहीं आ रहा है। शिव कुमार आइया सर। अय्या का कॉल टाइम क्या है? 9 से 6 का सर। अरे तो गांडा मेरे को 6 बजे काय को बुलाया है? अक्कल नहीं तेरे? हाँ ब्रेक कर लो, ये शीरो लाओ। सॉरी या इट्स ओके। ब्रेक। ए मैडम को दो ने। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। अरे खा के देखो, प्योर माल है, और किधर मिलेगा नहीं है सर। ये डालने। बिल्कुल थोड़ा सा, बस बस बस। काजू दे, काजू दे मेरे को। किसमिस, किसमिस बोला तो भी काजू ही देता है। चल एक बार फिर से समझा दे। बताता है दादा, आप वो सीढ़ी से नीचे उतरेगा। ये बंदू मेरे को क्यों सुना रहा है? डायरेक्ट आया कोई सुनाने? हाँ भालो। आइया दादा, आप वो सीढ़ी से नीचे उतरेगा और यार से अपना वाइफ को बुलाएगा मालती। वो आपके पास पहुंचेगा और आपसे बुलाने का वजह पूछेगा। टेक करे दादा। समझा दिया ने, चल जा अभी। ओके दादा। रोल कैमरा, एक्शन। सॉरी कॉट कॉट। अच्छा हुआ हवा ऊपर से निकला, गैस थी गया दादा। जाओ ऊपर से। किछु किछु प्रॉब्लम है क्या? हाँ थोड़ा एसटीडी हो गया है, अब एसिडिटी। ओके अभी ओके है ना दादा? एक टेक और करेगा प्लीज। हाँ हाँ ठीक है। ओके सॉरी सर, एक टेक का टेक। रोल कैमरा, रोलिंग, एक्शन। मालती कट। अरे सुन जे सर, आप फ्रेम से बाहर आ गए। फ्रेम से बाहर आ गया सर? पोजीशन मार्क किया है। पोजीशन पे ही तो खड़ा हूं। अब भी सही है, आप ज्यादा झुक गए। ए सही मार्क लगा ना। उड़ी बाबा किधर भी खड़ा हो जाता है। सॉरी गलत जगह खड़ा हो गया। सेटिंग करता है। ओके दादा
वन मोर टेक करेगा दादा, और एक बार करेगा। ठीक है भाई, ले ले। एक्शन। कट। दादा आपने मार्क को क्यों देखा? मार्क देख के ही उस पे खड़ा रहूंगा ना। दादा मार्क उधर ही रहेगा लेकिन उसको देखने का नहीं। अच्छा ऐसा, मार्क इधर ही रहेगा लेकिन उसे देखना नहीं है पर खड़ा उधर ही होना है। ठीक बोला दादा। बीजी फिल्म में इसको नहीं लूंगा। एक्शन। मां हट। कट कट कट। फिर मार्क को देखा क्या? दादा अमी बोलची। दादा पहले मार्क को देखा, मेरे को देखा, फिर एक एक करके सबको देखा दादा। ऐसा क्या? हाँ दादा दिखा मेरे को। आओ ना दादा, रिवाइंड करके प्ले कर। माँ तो सच बोले छे। चल फिर से ले। कितना लेगा? I'm sorry. ये कैमरा थोड़ा दूर करने। नहीं सर, क्लोज शॉट ही लेना पड़ेगा हमें। सुपर दादा, अभी हम लोग टेक करेगा। टेक नहीं किया? नहीं दादा, वो क्या हुआ कि कैमरा रोल नहीं किया। कैमरा रोल नहीं किया? चल इधर आ। गांडा तेरे को तो कैमरा रोल करना चाहिए था। सर ने रोल का ऑर्डर ही नहीं दिया। दादा अभी टेक करेगा तो कैमरा रोल करेगा। टेक करता दादा। ए, तुम रोल कैमरा बाबू, रोल कैमरा। दादा थोड़ा गड़बड़ हो गया दादा। पता है जब सही किया तब इस गधेड़ा ने रोल नहीं किया। ठीक है वन मोर। दादा सीन में वो लाइफ नहीं आ रहा दादा, थोड़ा एनर्जी डालो ना। एनर्जी जुए छे। हाँ दादा ठीक छे। ठीक ठीक करेगा। रोल कैमरा। अरे चुप रहने, रेडी नहीं हूं, पहले पूछ तो खरा। सॉरी दादा। ओके दादा रेडी ना बाबू। रोल कैमरा रोलिंग। एक्शन। माल आप मार्किंग से आगे आ गए सर। एक मिनट लेन देखते हैं। दादा ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा बोल रहा है, थोड़ा मैच्योर्ड। मैच्योर्ड है? हाँ दादा। रोल कैमरा। अरे रोकने। रेडी दादा? दादा मार्क को देखने का है तो अभी देख लो, बाद में नहीं देखने का। रोल कैमरा एक्शन। मालती। अब तो ये ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाएगा। दादा ये फिर से फ्रेम से बाहर निकल गए। ये जलाराम बापा, पहले तो सेट पे से गिरदी कम करनी पड़ेगी।
हाँ दादा, एनी प्रॉब्लम दादा? तेरे से बात करनी है, जरा बाहर आ तो। यार दादा, ये टल्ली तो नहीं है? पता नहीं, बदबू तो नहीं आया। हाँ दादा बोलूँ। कल से सेट पे तीन लोग ही होंगे, तू कैमरामैन और मैं। कल देखना मेरा परफॉर्मेंस। समझा नहीं दादा। कल मिलना, समझा दूंगा। ओके हेलो बे। जय श्री कृष्ण मोटा भाई, आप कहीं बाहर जा रहे थे क्या? नहीं। तो ठीक है भैया, हाथ जोड़ी लूं? बस ऐसे ही इधर से निकल रहा था तो मैंने सोचा जरा आपसे मिल लूं। बैठो, सिट। कल आपके जाने के बाद ने मैंने इस बारे में बहुत सोचा। आप करेक्ट बोल रहे थे, कला और व्यापार को एकत समझ लिया ने, ये बहुत बड़ी भूल हो गई। अय्या का तो अलग ही क्लास था ने, ये फाइटिंग गाना बजाना कभी किया ही नहीं। अय्या तो सबसे अलग थे, मेरी फिल्म में कुछ अलग लगा होगा तभी तो अय्या ने फिल्म साइन की। अय्या तो अभिनय के सम्राट है, कोई मामूली रोल उन्हें थोड़ी देंगे। मोटा भाई, मैंने फिल्म में से सारे फाइट सीन हटा दिए हैं, सॉन्ग सीक्वेंस भी। कल आपको थोड़ा बुरा भला बोल दिया, वो दिल पे मत लेना। चाहिए तो मैं सॉरी भी बोल देता हूँ। चलो बोल ही देता हूँ, रियली आई एम सॉरी। शूटिंग की टेंशन थी एटले गड़बड़ हो गई, पर्सनली मत लेना। हाँ देखो, मैं पूरी रात सो नहीं पाया। भैया की आज की डेट हमारे पास है ना? हाँ है। तो फिर वो आए क्यों नहीं? मेरी डेट्स किसी और को दे दी क्या? वो कहीं और तो नहीं चले गए? वो कहीं नहीं गए, डेट्स आप ही की हैं। ओ अच्छा, सुना है वो कमिटमेंट के बहुत पक्के हैं, हमेशा सेट पे समय सर आते हैं। सही कहा, हमेशा आते हैं सिवाय एक बार के। हाँ सुना है, श्रवण कुमार की शूटिंग पर। इस बार मुझे तो गलत नहीं समझ लिया? नहीं जानता, ये सब मेरी ही भूल है। पर इंसान उन्हें इंसान मात्र भूलने पात्र, पर जानबूझ के नहीं किया। रियलाइज होते ही आपको सॉरी बोलने भी आ गया। पहली भूल है, माफ कर दो ने मोटा भाई। अब इसमें इतना क्या सोचने का? अब मैं क्या कहूं? व्हाट? मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। इन्हें जो कहानी सुनाई थी ना, वही फिल्म बनाऊंगा। अब नाराजगी छोड़ो और थोड़ा कोऑपरेट करो। मोटा भाई आप भी। भगवान पे भरोसा नहीं ने? इतना अय्या जी पे है, वही मेरे भगवान है और वो आएंगे, मेरा दिल कहता है। संभाल लेना। वहां से लेंगे सर पहला शॉट। हाँ ठीक बोला सर। फिल्टर लगाऊं क्या? जरूरत नहीं है बाबा। सर ये सब सेटिंग तो हो जाएगी, बस ये एक्टिंग कर ले। आ जाइए, नहीं आया तो वापस पोपट हो जाएगा। सर ट्रॉली अभी तक आई नहीं है। आज क्या करना है? चलते हुए जौल के अंदर घुसने का था। हाँ दादा, जैसे मैं एक्शन बोलूं गुस्से में एकदम टॉन करने का।
रेडी दादा? रोल कैमरा रोलिंग सर। एक्शन। जितनी एक्सप्रेशन आते हैं सबके सब दे डालता हूं। दादा कोई भी शॉट ओके नहीं हो रहा। दादा सब कुछ फिनिश हो गया। दादा की होलो? अरे अय्या दो दिन से शूटिंग में नहीं आ रहा। उड़ी बाबा अब क्या करेगा दादा? क्या करे एटले हम कर भी क्या सकते हैं। मैं ही ट्राई करता हूँ। यहाँ बैठ के जोल की तरफ देखने का दादा। ओके दादा टेक करेगा। रोल कैमरा। सर थोड़ा आगे बैठ जाइए सर। एक तो ये कैमरा मैन ने परेशान कर दिया है। ओड़े बाबा की कौन चीज। दादा बहुत हो गया दादा। आपको और झेल नहीं पाएगा। कुछ भी करके अय्या को बुलाओ प्लीज। मेरा फोन ला। हेलो। जो मोटा भाई ये जो भी हो रहा है ना उससे आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। फिर बाद में बोलना मत। खुद को समझते क्या हो तुम? देखिए जेठालाल जी मैंने शर्तें साफ साफ बता दी थी। क्लियर कहानी कुछ सुनाई और शूट कुछ और किया। समथिंग एल्स। आपने अपना वादा तोड़ा। एक ही बात कितनी बार बोलेगा? सॉल्यूशन है तो बता। आपके पैसे लौटा देंगे रिटर्न। पैसे का क्या करूं? उसे मेरी फिल्म बन जाएगी क्या? तने खबर पन छे कितने खोखे घुस गए पिक्चर में। अभी तक आधी पिक्चर ही शूट हुई है और अय्या नहीं आया तो हमारी तो बैंड बच जाएगी ना। देखो मुझे कुछ नहीं सुनना। अगली शूटिंग दिवाली के ठीक बाद है। अय्या को आना ही पड़ेगा और अगर नहीं आया ने तो देखना मैं तुम सबके साथ क्या करता हूँ। गांडो थी गयो आत्मा ना चक्कर में। एक मिनट भी बर्बाद किए बिना तू जा और थिएटर में बैठ। ओके सर। नहीं तो जल्दी किसी को भेज देना। ओके सर। नहीं तू खुद ही जा। ओके सर। और अगर किसी ने अच्छी एक्टिंग की ना। ओके सर। और उससे अय्या का पता चला ना। ओके सर। तो फौरन मुझे कॉल करना। ओके सर। उसे पकड़ के उससे सब उगलवा लूंगा। ओके सर। सर अय्या का सीन कब शूट करेंगे? आज ही का शेड्यूल है। कैसी एक्टिंग की है? कैसे बता सकता हूँ अभी तक आए ही नहीं। परशुराम को भी फोन पे पूछा था बस एक ही बात कहता है मुझे कुछ नहीं पता। अरे बाप रे तो शूटिंग कैसे करोगे? क्या कर सकता हूँ फिल्म कल खत्म करनी थी। एक ही सीन था कुछ इधर उधर से चीट कर लेंगे। ऐसा क्या? ठीक है रखता हूँ। हेलो सारे हीरो 2 घंटे से मेकअप करके खड़ा है। हीरोइन उसके बाजू में खड़ी होकर बोर हो रही है। आइए जी कब आएंगे? नहीं जानता डोंट नो। ये कौन सा बाशर है? पहले के एक्टर सब पॉलिटिशियन बन गए। अरबुद के बेटे हीरो। सांभलो इधर मेरी बैंड बज गई है। अय्या 1 हफ्ते से शूटिंग पे नहीं आए। ऐसा ही रहा तो शूटिंग कब तक पोस्टपोन करता रहूंगा। मैं तो कोशिश करके थक गया। वो जानबूझकर नहीं आ रहा। ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है इसकी भी है और इसकी भी है। चेवड़ो खावा आवे छे के अय्या। इनका पेच वर्क बचा है। इनका तो सीन ही शुरू नहीं हुआ। कितने लोगों के काम बाकी पड़े हैं पर मेरी हालत सबसे खराब है। इंटरवल पे आकर अटक गया हूं मैं। अब अय्या के बिना आगे कैसे बढ़ूं? सुनो ऐसी बेकार की शिकायत काउंसिल के सामने क्यों रख रहे हो? अरे ये मेरा हक है। मैं भी एसोसिएशन का मेंबर हूं। एक स्टेज एक्टर मरता है उसकी आत्मा एक्टिंग करने लगती है और लोग उस आत्मा की मदद से फिल्में बनाने लगते हैं और वो फिल्में हिट होने लगती हैं। अब वो आत्मा फिल्म को बीच में ही छोड़कर चली जाती है। एक जिंदा स्टार के साथ फिल्म बनाने में ही पसीने छूट जाते हैं।
और एक तुम हो जो आत्मा से काम करवाना चाहते हो। आपको विश्वास नहीं है, आपने अय्या की डेट्स नहीं मांगी थी क्या? मेरा नसीब अच्छा था जो मेरी कहानी रिजेक्ट कर दी, मैं बच गया और तुम फंस गए। सिर्फ तुम्हारी कहानी दमदार है, उसके लिए कोई हीरो भी तो दमदार रखना चाहिए था ना। किसी की बुरी नजर लग गई। जेठालाल, जब आया जिंदा था तब एक नंबर का जिद्दी और अड़ियल था, मेरे पिता की फिल्मों में काम करने से मना कर दिया था। दुनिया में कोई भी किसी आत्मा से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता, मुर्दों से बहस तक नहीं कर सकते। हम प्रोड्यूसर हैं, ना कि कोई योगी तांत्रिक, हमारे लिमिटेशन को समझिए। सुनो जेठालाल, इस लाइन में तुम्हें इतने सालों का एक्सपीरियंस है, अपने दिमाग से कोई ना कोई हल निकाल लो। क्या सर, भैया की टैलेंट पे भरोसा करके मैंने मार्केट से करोड़ों उठा लिए। एज ए हीरो मेरी पहली फिल्म थी, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अब अगर गड़बड़ हो गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर राजा की ताकत छिन भी जाए तो भी वो अपने आप को राजा ही समझता है। अब ये देखो, इतना बड़ा शहंशाह काल कोठरी में पड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी गुलामों को बुलाने की आदत नहीं गई। इस काल कोठरी में कौन है ऐसा जो मेरी आवाज पे दौड़ा चलाएगा? ये किसकी आहट थी? मेरी मौत की तो नहीं? ये जल्लाद मुझे फांसी चढ़ाने वाले हैं। एक राजा की ऐसी दुर्दशा भी हो सकती है, मैंने सोचा नहीं था। क्या तुझे भी डर लग रहा है माँ? अब मुझे किसी बात का भय नहीं रहा। कोने को बचा ही क्या है मेरे पास कि मैं डरूं? भैया, भूल हो गई मुझसे। हाँ न कहते तो थिएटर के बहाने हमारे साथ तो रहते। हमने पैसों का लालच किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। धरती और स्वर्ग में कोई अंतर नहीं। यहाँ तो सबके थोबड़ों पे 12 बजे गए। अब कयामत भी आ जाए मैं तैयार हूँ। रात को वनों में घूमती हूँ। हाँ बोल, जल्दी बोल। अजगर की आंखों में यहाँ तो सब लोग क्या सॉलिड एक्टिंग कर रहे हैं सर, फर्स्ट क्लास एक्टिंग। मैं तो बोलता हूँ सर, अगली फिल्म में इन्हीं में से किसी को हीरो हीरो ले लेते। तेरे से राय मांगी क्या इडियट? अय्या आया क्या? नहीं सर, अय्या गया झुमरी तलैया। परशुराम सैड है, बाकी सबका भी लटक रहे सर मुंह। अय्या आए होते तो सब खड़े हो जाते ना सीट से। ठीक है, पिछले कुछ दिनों से स्वर्गीय अय्या ने किसी शूटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। कई फिल्म प्रोड्यूसर्स ने फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन से शिकायत की है कि उन्होंने जितनी भी फिल्में साइन की हैं, वो सब रुकी हुई हैं। इस बात से अय्या के डाई हार्ट फैंस को बहुत शौक लगा है और उनके सभी फैंस उनकी आत्मा के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। नमस्ते सर, त्यागी बोल रहा हूँ। जो मैंने सुना वो सच है? आप यकीन से कैसे कह सकते हैं कि अय्या की आत्मा चली गई है? पिछले 2-3 महीनों से हमारे अय्या फिल्मों में काम नहीं कर रहे, नॉट वर्किंग। और मैं सिर्फ शूटिंग की बात नहीं कर रहा, थिएटर के भी किसी प्ले में नहीं आए, नॉट कम। अब तो हम उम्मीद भी छोड़ने लगे हैं, लीविंग। डर लगता है ये सोचकर कि हमें हमेशा के लिए छोड़ गए हैं, फॉर एवर। आपके हिसाब से उनके जाने की वजह क्या हो सकती है? आपसे रिक्वेस्ट है, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। अय्या के गायब होने के बाद उनके चाहने वाले निराश हैं, उनके डाई हार्ड फैंस क्या कहते हैं आइए देखते हैं। देखो भाई, मरने के बाद भी वो एक्टिंग करने आए, कोई इच्छा अधूरी रह गई, कोई खास रोल का इंतजार होगा, एक्टिंग किए बिना आत्मा नहीं रह पाई। यहाँ रुकने की कोई तो सॉलिड वजह रही होगी, मतलब यही कि जाने का भी कोई तगड़ा कारण होगा। जब दुनिया वालों से आत्मा इतनी परेशान थी तो इंसानों का क्या हाल होगा? अगर अय्या को किसी ने दुखी किया है ना, तो भगवान तो पच्चे जोश है, पहले हम सजा देंगे। अय्या की रूह अगर रूट के चली गई है ना, तो हम उसे मना के लाएंगे किसी भी हालत में। तो क्या ये एक हत्या है कला की और कलाकार की? अगर है तो ये किसने की और वजह क्या थी? कौन छे? अरे सर, मैं हूँ सर, कुमार। क्या है सर? एक जरूरी मैटर है, दरवाजा खोलिए। अभी मैं ना आ रहा हूँ, बाद में आना। सर मैटर अर्जेंट है सर। ए, अर्जेंट है तो क्या ऐसे ही बाहर आ जाऊं? जाओ यहाँ से।
एक बार टीवी ऑन करके देखिए सर, न्यूज में आपकी ही खबर आ रही है। मेरी खबर? एक ताजा खबर के अनुसार महेश नाम के एक आदमी ने जाने माने प्रोड्यूसर और डेब्यूटेंट एक्टर जेठालाल पे आरोप लगाया कि उन्होंने अय्या की आत्मा की हत्या की है। आखिरी बार अय्या को देखा गया था जेठालाल की फिल्म छोड़ूंगा नहीं के सेट्स पर, और उसी दिन से अय्या कहाँ गायब हो गए ये किसी को नहीं पता। अरे भेजला, अरे भेजला, अरे हटना, समझो, अरे क्या? चल उठा वे, ये सब क्या बकवास है? मैंने उसे कब मारा? वो तो पहले से ही मरा हुआ था। हाँ मरा था, पर आत्मा तो जिंदा थी। अब वो लोग क्या कह रहे हैं कि अय्या की आत्मा की हत्या कर दी है। जाओ ऑफिस में वेट कर। बकरा। हेलो जेठालाल जी, अच्छा आपने फोन किया, एक खबर देनी थी आपको। कुछ प्रॉब्लम वाली तो नहीं ने? सर अब क्या हो गया? सर बाहर मीडिया के लोग आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं सर। मीडिया वाले? हाँ सर। वकील साहब, बाहर मीडिया के लोग आए हैं, मेरे को क्या करना चाहिए? मीडिया ना, तो आप बिंदास बात करो ना, खुल के बात करो, फिर मैं आगे खुलता हूँ। भले सर, अगर आपने मीडिया से बात नहीं की ना तो वो लोग आपको कातिल समझेंगे। चुप। सर आप निर्दोष है ना सर, तो फिर डरने की क्या जरूरत है? गधेड़ा, कोर्ट केस रिजेक्ट कर देगी। सर अपना जमीर साफ हो तो जमाने से क्या डरना है, आंखों में आंखें डाल के बात करना। एक और फायदा भी होने वाला है सर। सर आपकी फिल्म के लिए पता ही क्या होगा, फ्री पब्लिसिटी। किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है, सब जानते हैं ये झूठ मूठ का केस है, कोर्ट ये केस एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। केस एक्सेप्ट हो जाए तो मुझसे सवाल पूछना, मैं जवाब दे दूंगा। मेहरबानी करके अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। स्टेज एक्टर अय्या पर ताजा जानकारी ये है कि प्रोड्यूसर जेठालाल पर आरोप लगा है कि उन्होंने अय्या की आत्मा का मर्डर किया है, और इस बात को लेकर अय्या के फैंस में भारी रोष है। कोर्ट में अय्या का केस एक्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि जो भी हो रहा है कानूनन बिल्कुल गलत है। अगर कोर्ट ने केस एक्सेप्ट नहीं किया तो हम उस कातिल को सजा देंगे। अय्या के हत्यारे को फांसी लगनी चाहिए, अगर नहीं मिली तो हम उसे मार देंगे। अगर कोर्ट ये केस एक्सेप्ट ना करे तो हम उस कातिल को सबक सिखाएंगे, अय्या के हत्यारे को फांसी पर चढ़ाना चाहिए वरना हम उसे मार देंगे। कोर्ट ने केस नहीं लिया तो पूरे शहर में ये सब क्या चल रहा है? सजा से बच भी गया तो उसके घर में घुस के मारेंगे। इतना बड़ा कांड करके आराम से घूम रहा है, हम चुप नहीं रहेंगे। सामड़ो શું થયું? શું કરો છો તમે? મારે પબ્લિક ના જમાવડા છે ને પોલીસ પણ આવી છે। યે અચાનક શેઠજી કી ફટકી હુઈ। Get down!
निकल जेठालाल। अरे तो चुपके क्या बैठा है? बाहर निकल, छोड़ के नहीं छोड़ो हमें, हमें अंदर जाने दो। जेठालाल बाहर निकल, तू नहीं बच पाएगा वो। सर फालतू का ड्रामा कर रहे हैं, ऐसे में बाहर जाना ठीक नहीं होगा। सट की भी पब्लिक है, कुछ भी कर सकती है। आपका अंदर ही रहना सही होगा, नहीं तो वो घर के साथ साथ आपको भी तोड़ देंगे, और ऐसा तोड़ेंगे कि रिपेयरिंग भी नहीं हो सकेगी। मीडिया वाले भी इनके सपोर्ट में हैं, और वो लोग टीआरपी पाने के लिए आपका मामला उछालेंगे। सेठ इसे मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा। हम लोग कोर्ट जाएंगे, मानहानि का केस ठोक देंगे, आपकी जान को खतरा ऐसा बोल के उनसे पुलिस प्रोटेक्शन मांगेंगे। एक बार केस कोर्ट में आने दो, उसके बाद मैं सब संभाल लूंगा। ये केस आप ही जीतेंगे। ठीक है ठीक है। काका, जेठालाल ने पुलिस को स्टेटमेंट दी है कि उसे अय्या से डर है, पुलिस प्रोटेक्शन भी मांगी है। इतना ही नहीं काका, उसने हम पर उसे बदनाम करने की बात की है, और हम पर एक डिफेमेशन केस दर्ज किया है। कानून के इतिहास में कोर्ट में पहली बार किसी आत्मा के खिलाफ मानहानि का केस लड़ा जाएगा। थोड़ी ही देर में केस की सुनवाई शुरू हो जाएगी। चाचा सर, सर बस एक सवाल। सर, सर आपने अय्या के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया है, ऐसा क्यों किया सर? आपसे मैंने पहले भी कहा, आप सब तो जानते ही हो, कोई मुर्दे को कैसे मार सकता है, आत्मा को कैसे मार सकता है कोई। वो लोगों को ठग रहे हैं, यहाँ एक से एक एक्टर पैदा हुए, उनमें कोई टैलेंट नहीं था क्या? उनकी आत्मा क्यों नहीं आई? आपकी बात ठीक है, पर क्या ये सच है कि आपने कहानी कुछ और सुनाई और फिल्म कुछ और बनाई? देखो भाई, मैं एक बहुत रिस्पेक्टेड फैमिली से आता हूँ। मेरे पप्पा अपने जमाने के बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, और आज मैं मीडिया पर बिंदास कह सकता हूँ। उन्होंने सिर्फ हिट नहीं, अवार्ड विनिंग पिक्चरें बनाई थी। हम पर उंगली मत उठाना, हम पर झूठा आरोप लगाया है। सर बस करो ना, अंदर चलो। गुस्सा नहीं है, सच्चाई है। अभी थोड़ी ही देर में केस शुरू होने वाला है, और हम ही जीतेंगे। एक और बात बतानी थी, अगर मुझे कुछ हो गया तो उसके लिए अय्या जिम्मेदार होगा, और उसका परिवार भी। मेरे साथ जो हो रहा है ऐसा और किसी के साथ ना हो। सर 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 प्लीज सर। ये जो चश्मे वाला है वो कौन है? सर ये वही है जिसने आप पे केस किया। इसको पहले कहीं देखा है? सर ये अपने ऑफिस में अपनी स्टोरीज लेकर बहुत बार आया है, लेकिन आपने इसको कभी खड़ा नहीं किया, हमेशा भगा डाला। केस नंबर 1264/2017 रविचंद्रन जी, विटनेस हाजिर है? हाजिर है। जेठालाल योर ऑनर, हमने केस फाइल किया है जिसमें मानहानि का दावा किया है। इन्होंने मेरे क्लाइंट पे झूठा इल्जाम लगाया है कि मेरे क्लाइंट ने एक आत्मा का कत्ल किया है। इस इल्जाम का योर ऑनर कोई तर्क ही नहीं है। मीडिया भी इन बातों को खूब फैला रही है बिना कोई तहकीकात और पुख्ता सबूत के। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट एक बहुत ही पढ़े लिखे इंसान है, शरीफ, और समाज में इनका एक रुतबा है, बहुत इज्जत है। इन्होंने काफी प्रोड्यूसर्स को ठगा है, उनसे काफी पैसे लिए हैं, ये कहकर कि एक आत्मा एक्टिंग करती है। योर ऑनर, इसी झांसे में इन्होंने मेरे क्लाइंट को भी फंसाया है, पर मेरा क्लाइंट इनके झांसे में बिल्कुल नहीं फंसा। इन्होंने मेरे क्लाइंट को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, इनसे एक बहुत बड़ी रकम मांगी, और पैसे ना मिलने पर ये लोग मेरे क्लाइंट के बारे में गंदी गंदी अफवाहें फैलाने लगे।
योर ऑनर, अदालत से मेरी गुजारिश है कि कानून ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दे और मीडिया को ऐसा करने से रोके। दैट्स ऑल योर ऑनर। सर, हर कोई मुझे मारना चाहता है, यहां तक कि कल एक भीड़ ने मेरे घर पे हमला कर दिया। पहले भी अफवाहें फैली हैं सर, लेकिन उनमें से कुछ भी साबित नहीं हुआ। मेरा बस टाइम खराब चल रहा है सर, ये फिल्म ही पनौती है। मैंने गौर महाराज की बात नहीं मानी ने, उसी गलती का नतीजा भुगत रहा हूं। मेरी लाइफ में कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, पर अब मेरे घर के बाहर लोग नारे लगाते हैं, पत्थर मारते हैं। मैं बीवी बच्चों वाला व्यापारी हूं सर, कभी कुछ ऊंच नीच हो गया तो मैं कहां जाऊंगा सर। योर ऑनर, इनकी जान को कोई खतरा नहीं। एक एक्टर की आत्मा जो अब तक जीवित थी वो मर चुकी है और इसने उन्हें मारा है। जनता का गुस्सा होना बिल्कुल जायज है। 3 सालों से लोग उन्हें देख रहे थे, उनकी एक्टिंग का लुत्फ उठा रहे थे, लेकिन इनके शूटिंग के दौरान ठीक 22 अक्टूबर के दिन आत्मा गायब हो गई और उसके जिम्मेदार ये हैं। सर, पहली बात तो वो ऑलरेडी मर चुके हैं, 4 साल पहले उनका अंतिम संस्कार हो चुका है। मरने के बाद किसी की आत्मा जग गई और शूटिंग करना चालू भी कर दिया। ए! मिस्टर जेठालाल, बात करते समय थोड़ा संयम से काम लें। गलती हो गई जज साहब, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अपने पप्पा से उनका नाम सुना था, आज तक उनका कोई प्ले देखा नहीं मैंने, बस वो एक जबरदस्त एक्टर थे इतना सुना था। उनसे मैंने एक्टिंग करने को कहा, इसका कोई प्रूफ नहीं है। आत्मा जिंदा है ये बोलकर इन लोगों ने बहुत लोगों को ठगा है। बहुत पहले उनके ऊपर केस हो जाना चाहिए था। कब तक एक मरे हुए आदमी के नाम पर रोकड़ा कमाते रहेंगे ये लोग? इनको लोगों को ठग के पैसा बनाने की आदत पड़ गई है। आप देख लेना जज साहब, ये फिर से अय्या के लौट आने की बात करेंगे। और अय्या गए कहां होंगे? इतने नोट छाप रहे थे तो जाने की जरूरत क्या थी? जज साहब, आप भी जानते हो ये लोग झूठ बोल रहे हैं ना। अच्छा, आपकी फिल्म में काम नहीं किया? नहीं किया, फिल्म का हीरो मैं था। अच्छा, काम नहीं किया तो उन्हें पेमेंट क्यों दी? क्या, उनसे पूछो, उनके नाम का कोई चेक दिया मैंने? मतलब पूरी पेमेंट कैश में दी है ना? आज तक एक फूटी कौड़ी नहीं दी, और अगर दी है तो ये लोग प्रूफ लाकर दिखा दे। जरूर इन्होंने पैसे कैश में दिए होंगे, लेकिन रसीद और वाउचर्स फाड़ दिए होंगे। योर ऑनर, ये बिना किसी सबूत के मेरे क्लाइंट पे इल्जाम लगा रहे हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद है। अपनी फिल्म की पब्लिसिटी में अय्या का नाम क्यों लिखा था? लाओ इधर लाओ। इसे आप खुद देख लीजिए। वहां 4-5 एडवर्टाइज और है, सब में लिखा है ये एक्टिंग कर रहा है। अच्छी पब्लिसिटी का ये बेस्ट तरीका है, ये सब स्टंट है जज साहब, यही ट्रेंड है। एक झूठ चल गया ना तो सब उसे फॉलो करते हैं, मैंने भी वही किया, तो क्या गलत किया? खाली मैं ही नहीं, इस भेड़चाल में सब शामिल है। किसी के पास इसके कॉपी राइट्स नहीं है, ना किसी ने इसे पेटेंट कराया है। बाकी लोगों का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने इनको एक पाई भी नहीं दी। तो आप कहना चाहते हैं कि आत्मा ने एक्टिंग नहीं की? आत्मा ने एक्टिंग की, इस बात पर मुझे भरोसा नहीं है। पर ये कह रहे हैं कि अय्या की ही आत्मा ने आपके थ्रू एक्टिंग की। कन्फर्म नहीं किए, मेरे अंदर आत्मा भूत पिशाच कुछ नहीं है। मुझे वश में कर सके ऐसा दम किसी भूत में नहीं है। पता है क्यों? मेरे पास बाबा बंगाली का ताबीज है। योर ऑनर, इस पेन ड्राइव में इनकी फिल्म का एक सीन है जिसमें इन्होंने एक्टिंग की है। अगर वैसी ही एक्टिंग अभी ये करके दिखा सकते हैं फिर तो कोई शक ही नहीं रहेगा और हम इनकी बात को सच मान लेंगे। सर सर, फुटेज मत देखना, ये अनरिलीज्ड है। योर ऑनर, रिटन स्टेटमेंट में पेन ड्राइव का जिक्र बिल्कुल नहीं था, कानूनन इसे एविडेंस नहीं माना जा सकता। अभी तक पूरी पिक्चर शूट नहीं हुई है सर, आप फुटेज नहीं दिखा सकते। ये मेरी प्राइवेट फुटेज यहाँ लाया कौन? किसी ने चोरी की है, यहाँ और क्या क्या अन्याय देखने मिलेगा? मैं केस कर दूंगा सर, किसी ने मेरे ऑफिस से फुटेज चुराई है। ये सब क्या है? रिलीज से पहले फुटेज तुम्हारे पास कैसे पहुंच गई? वो छोड़ो, उसे अभी क्यों लेके आए? योर ऑनर, इन्हें केस करने दीजिए, हमारा इरादा बिल्कुल साफ है, प्लीज परमिशन दीजिए। ये फुटेज इन्हीं की ऑफिस से लाई गई है। मानता हूं कि ये पूरी तरह गैर कानूनी है, पर मैं इसकी सजा भुगतने को तैयार हूं। ये मैंने जानबूझ के किया है क्योंकि मुझे सिर्फ एक बात जाननी थी। इनकी फिल्म की एड में साफ लिखा है कि अय्या काम कर रहे हैं और यहाँ ये इनकार कर रहे हैं।
आप सिर्फ एक बार सीन देख लीजिए और इनसे कहिए कि बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म करके दिखा दें। कर सके तो प्रूव हो जाएगा कि अय्या की आत्मा ने एक्टिंग नहीं की और इन्होंने ही इस फिल्म में एक्टिंग की है। इसके बाद हम डिफेमेशन का केस एक्सेप्ट कर लेंगे और इनके ऑफिस से फुटेज चोरी करने का भी। जैसा इन्होंने कहा, अय्या वहां मौजूद नहीं थे, ये एक पब्लिसिटी स्टंट था और ये सारे लोग फ्रॉड हैं। हे, फुटेज चोरी करना एक क्राइम है, लाओ पेन ड्राइव मुझे दो। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ये कोर्ट है और यहाँ जज है, शांति रखो, आपको ये पेन ड्राइव मिल जाएगी। रिलीज से पहले फुटेज लीक ना हो यही चाहते हो ना, वो इत्मीनान रखो, इस बात का ख्याल रखा जाएगा। ये तो सच है कि फिल्म की पब्लिसिटी में अय्या का जिक्र किया गया है। इस फिल्म में अय्या नहीं है, ये आप कह रहे हैं। अगर ये बात प्रूव हो जाती है तो केस क्लोज हो जाएगा। इनके सामने सेम टू सेम एक्टिंग कर दो, बात खत्म हो जाएगी। सुनो, एक काम करो, ये पेन ड्राइव मेरे लैपटॉप में लगाओ। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? इन्होंने मेरी फिल्म चुराई है। अभी तो बताया था, इस मामले में अलग से कार्रवाई करेंगे। सर, आप साक्षात न्याय की मूर्ति है, जज हैं, इंसाफ के देवता हैं, आप भगवान तुल्य हैं, ऐसा फैसला कैसे दे सकते हैं सर? जेठालाल जी, अभी फैसला नहीं हुआ है, धीरज रखिए। अगर इसमें आपने ही एक्टिंग की है तो फिर चिंता क्यों कर रहे हैं? मालती, मालती,
एक बार आप भी सीन देख लीजिए, थोड़ा टाइम देता हूं। 10 मिनट्स ब्रेक, आफ्टर दैट कोर्ट विल कंटिन्यू। जेठालाल केस में एक नाटकीय मोड़ आ गया है। उन्हें एक सीन परफॉर्म करने के लिए कहा गया है। अगर वो इस सीन को वैसा ही कर पाए तो ये प्रूव हो जाएगा कि अय्या ने एक्टिंग नहीं की, बल्कि जेठालाल ने ही एक्टिंग की थी। और दूसरी फिल्मों में भी अय्या ने नहीं बल्कि एक्टर्स ने ही एक्टिंग की थी, और ये भी कि अय्या की फैमिली झूठी है और फ्रॉड है। जेठालाल अगर एक्टिंग नहीं कर पाए तो अय्या की मौजूदगी साबित हो जाएगी। उसके बाद सवाल ये आएगा कि आखिर अय्या गए कहां, उनकी आत्मा की मौत की क्या वजह थी। इन सभी सवालों के जवाब बस थोड़ी देर में। क्या करना की एक्टिंग की है। सेठ जी, 50 सालों से आपकी फैमिली फिल्मों से जुड़ी है, तो ये सीन तो आप आराम से कर लेंगे। बहुत आसान है। ये लोग सीन भी ऐसा लाए जिसमें डायलॉग ही नहीं है। ये जरा सा सीन ऐड करना आपके लिए तो खाने का काम है। सर, आपने तो मुझे कितने बोल वचन दिए थे कि स्कूल में तो आपने बहुत एक्टिंग की है, बड़े बड़े कैरेक्टर किए, तो स्कूल में और यहाँ में क्या फर्क है सर? कटघरे में खड़े हो जाओ और थोड़ी एक्टिंग करके दिखा दो। ये अय्या मैया सब भूल जाओ, बस एक्टिंग करो। एक बार एक्टिंग करके दिखा दो पूरे कोर्ट के सामने, फिर ये केस हम ही जीतेंगे सर। जीत हमारी होगी। गधेड़ा, पानी आप। कार्यवाही शुरू करो। जी जेठालाल। हाँ तो जेठालाल जी, तैयार हैं? ये कैसी परीक्षा है, ये कैसा इंसाफ है? कभी ऐसा केस सुना ही नहीं। एक आत्मा की हत्या के लिए मुझे मेरी फिल्म दिखा रहे हो, और तो और आप मुझसे मेरी एक्टिंग करने को कह रहे हो, ये क्या है जज साहब? जेठालाल जी, ये कोर्ट आपके लिए ही है, आपको आपका पक्ष रखने का मौका दिया जा रहा है। हुँ? आप अपनी बात साबित कीजिए, जस्ट प्रूव इट। आपकी परफॉर्मेंस के दौरान आपको कोई नहीं रोकेगा। कोर्ट की बात ना मानने पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लग सकता है। पूरा सीन मत कीजिए, जितना पेन ड्राइव में है बस उतना ही कीजिए, वो भी अकेले। अय्या क्यों करवा रहा है? फंसाई क्यों? क्यों जेठालाल, अब उड़ेंगे तेरे बचे हुए बाल। We are waiting. हाँ भाई हाँ, शुरू कीजिए। एक्टिंग करनी है, मजाक थोड़ी है। जेल जाने से पहले मेरी पगार दे देना। चल एक्टिंग कर, मिलेगा ऑस्कर। क्या कर रहे हैं? शुरू हो जाइए। मिस्टर जेठालाल, और भी केसेस सुनने हैं, जरूरत से ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, इस तरह कोर्ट का टाइम जाया हो रहा है। एक्टिंग करो सेठ जी। लगता है गेम ओवर। माँ कसम लग गए भाई, तू तो गया। डायलॉग भूल गए क्या? बहुत मारूंगा गधेड़ी ना, मेरे पास मेरी एक्टिंग कोर्ट में करवाएगा तू। मिस्टर जेठालाल, आपके मिसबिहेवियर के लिए आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लग सकता है। एडवोकेट रवि, आपने क्लाइंट को कोर्ट में बात करने का तरीका नहीं सिखाया। माफ कीजिएगा, मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ।
मैं आपको 10 सेकंड और देता हूँ। जी कर दे मेरे बाप। मैं तुझे इंडस्ट्री में नहीं रहने दूंगा, एक एक की खबर लूंगा मैं। मिस्टर जेठालाल, नहीं करूंगा, मार जाऊंगा तो भी नहीं करूंगा, मुझसे अब ये सब नहीं होगा। मुझ पे कत्ल का आरोप है ना, उम्र कैद दे दो, फांसी की सजा सुना दो, लेकिन एक्टिंग नहीं करूंगा। जमीन आसमान एक हो जाए पर नहीं करूंगा। मुझसे एक्टिंग करवानी है वो भी जबरदस्ती? दिवाली है क्या? साइलेंस, आपका टाइम खत्म हुआ। मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। कहीं भी जाए एक्टिंग थोड़ी कर पाएगा। मिस्टर जेठालाल खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाए और इन्होंने परशुराम जी पर और अभिनव कुमार उर्फ अय्या और उनके परिवार पर जो डिफेमेशन चार्जेस लगाए वो ये साबित नहीं कर पाए, इसलिए ये कोर्ट सबूत ना होने पर इस केस को पूरी तरह से खारिज करता है। मिस्टर जेठालाल आज के बाद बिना लॉजिक के समाज में कोई बात नहीं फैलाएंगे, ये कोर्ट का ऑर्डर है। बहरहाल, लगातार वार्निंग देने के बावजूद मिस्टर जेठालाल ने अदालत की तौहीन की जो गैर कानूनी है, तो पुलिस उस पर फौरन एक्शन ले। शायद दुनिया की कोई अदालत ऐसा केस एक्सेप्ट करती ही नहीं। मरने के बाद आत्मा होती है या नहीं होती है, यह दुनिया की कोई अदालत साबित नहीं कर सकती। यही बात भगवान पर भी लागू है। लेकिन एक कलाकार जो अच्छी एक्टिंग करता है आज एक्टिंग नहीं कर पाया, इसका भी कोई जवाब नहीं है। दुनिया की हर सच्चाई को तर्कों से नहीं समझाया जा सकता, खासकर कला को जो लॉजिक से बिल्कुल परे है। जब से इंसान अस्तित्व में आया है, कला उसके अंदर ही रही है। हर इंसान में कोई ना कोई कला है, वरना उसका वजूद ही नहीं है। चमत्कार होते हैं लेकिन हमें उनका एहसास ही नहीं होता, शायद इसलिए हम उनकी अहमियत समझ नहीं पाते। आज भी नहीं जान पाए कि चमत्कार होते हैं या नहीं, और अगर होते भी हैं तो हम उन्हें माने या ना माने या क्या करें। अय्या के फैंस के लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि उनके नाम पर दंगे फसाद मत कीजिए, बिल्कुल भी नहीं। कला या कलाकार की कोई सीमा नहीं होती, जब तक ये दुनिया रहेगी कला जिंदा रहेगी।